Hello everyone, my name is Nilo Solanki and I will teach you English for class 8. It comes under the first chapter, this is being the best literature student in the world. This chapter is the first part. In this first part, we will read I spotted it in a junk shop, in a brick wood, a rooftop desk. अब ये जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि मैंने रोड टॉप डेस्क यानी एक डेस्क का जो डेस्क है ठीक है एक टेबल है जिसका नाम है रोड टॉप डेस्क। इस राइटर को जो ये टेबल जो है ठीक है वो कहाँ से मिली? जंक शॉप से। जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ की दुकान, यानी कि पहली बार उसने इस टेबल को एक कबाड़ की जो दुकान होती है ठीक है वहां से इसको स्पॉटेड यानी कि देखा। The man said, और आदमी कहता है कि it was early 19th century and oak, यानी कि आदमी ये कहता है कि ये जो टेबल है वो क्या early 19th century की है और ये oak की थी। oak का एक वृक्ष का नाम है ठीक है जो काफी मजबूत होता है। I had wanted one, राइट भी कहता है ठीक है कि मैं इसे लेना चाहता था, यानी इनमें से जो भी मतलब जो कबाड़ी की दुकान पर जब वो जाता है तो वो चाहता है कि कोई ना कोई वो चीज वहां से ले। बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो सामान जो था ठीक है जो वो लेना चाहता था वो काफी एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो टेबल जो थी वो एक बैड कंडीशन में थी, यानी कि उसकी जो दशा जो थी ठीक है इस रोल टॉप डेस्क की वो अच्छी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, यानी कि ये जो टेबल जो थी ठीक है उनके कई सारे टुकड़े हो रखे थे, यानी कि उसकी कह सकते हैं हालत जो है ठीक है वो बहुत अच्छी नहीं थी। सेवरल होता है कई। वन लेग क्रंची मैंडेड, यानी कि एक जो उसका पाँव है टेबल के जो पाँव होते हैं, पाँव का मतलब होता है कि जो जिस चार पाँव को खड़े रहता है ठीक है उसका जो वन लेग है ठीक है वो क्रंचली का मतलब है कि ठीक है वो टूटा हुआ था ठीक है जिसको मैंडेड किया गया था। मैंडेड का मतलब है रिपेयर किया गया था, उसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क इन डाउन वन साइड, और एक साइड में क्या था स्कॉच मार्क का मतलब होता है कि वो एक साइड से जली हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और ये जो टेबल जो थी ठीक है वो बहुत ही कम जो रुपए है ठीक है उसमें मिलने वाली थी। आई थॉट, यानी मैंने सोचा I could restore it, यानी कि मैंने सोचा कि मैं इसको क्या करूंगा restore करूंगा, यानी कि मैं इसको ठीक करूंगा या किसी से करवा लूंगा। It would be a risk, a challenge, यानी कि यह एक क्या था risk था जोखिम था और एक ये challenge होगा उसके लिए, यानी कि चुनौती होगी। बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास ये जो टेबल है वो होनी चाहिए। I paid the man, यानी कि मैंने उस आदमी को यानी कि जो कबाड़ी या कबाड़ी की दुकान का जो मालिक जो था ठीक है उसको इस टेबल के जो भी रुपए होते हैं ठीक है उसका उसने भुगतान किया, पेड यानी कि भुगतान किया। एंड ब्रॉट इट, और फिर वो उसको कहाँ लेके आ गया लेके आ गया वो उसको ब्रॉडी का मतलब होता है लाना, कहाँ लाया to my workroom and the back of the garage, यानी कि गैरेज के पीछे इस व्यक्ति का क्या था एक वर्करूम था, वहां पर उसको क्या वो लेके आ जाता है ठीक है। वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इसके ऊपर वर्क करना आरंभ किया, यानी कि उसको ठीक करना आरंभ करता है। कब करता वो क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, उत्तर पूर्व संध्या। I removed the roll top completely and pulled it the drawer. मैंने टेबल का जो रोल टॉप है उसको कंप्लीटली यानी कि पूर्ण तरीके से क्या हटाया, और जो ड्रॉवर है ठीक है वो भी क्या उसने पुल आउट का मतलब होता है बाहर खींचे। ड्रॉवर होता है दराजे।
The 1 year had a lift paid almost everywhere. One year होता है, ठीक है, जो ऊपरी जो सतह होती है, टेबल की जो सतह होती है, जिसके ऊपर सरमाइक लगी रहती है पतली सी, ठीक है, उसको वो क्या करता है, लिफ्टेड का मतलब है उसको ऊपर उठाता है. इट इट लुक लाइक अ वाटर टैंक टू मी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो ड्रॉवर है, ये जो टेबल लेग जो थी, ठीक है, वो क्या वाटर डैमेज हो रही थी, यानी पानी से ये थोड़ी सी क्या खराब उसको लग रही थी. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. यानी कि उसको लगा जो टेबल डेस्क लेके गया था, उसको लगा कि आग की वजह से, क्योंकि वो एक साइड जो था, ठीक है, टेबल का जो हिस्सा जो था, ठीक है, वो आग से जला हुआ था और पानी से क्या उसको लगा कि ये भी क्या डैमेज हो रही है. तो आग और पानी दोनों से ये जो टेबल डेस्क है वो पूरी तरह से खराब हो रही थी. The last drawer was stuck fast. और जो आखिरी जो ड्रॉवर जो था उस टेबल का, वो अटक गया था, यानी कि वो उसको निकालना चाहता था लेकिन वो निकल नहीं रहा था. I tried all I could to ease it out gently. यानी कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको क्या धीरे से निकाल लूं. In the end, I used a brute force. और अंत में मैंने पूरा जो जोर है, ठीक है, वो लगाया. Brute force यानी कि पूरा जोर लगाना. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. अब आगे वो क्या करता है कि वो अपनी मुट्ठी से ड्रॉवर के एक साइड में वो जोर से मारता है, जिससे कि जो खाली वाला जो ड्रॉवर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ चला जाता है और वो खुल जाता है. और उसके अंदर मानो ऐसा लग रहा था कि ये एक क्या था, एक गुप्त ड्रॉवर था. There was some things in there, यानी उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था. I reached in and took out a small black tin box. यानी कि मेरा जो हाथ है, ठीक है, यानी कि reach का मतलब यहाँ पर होगा कि उसका जो हाथ है वो वहां तक पहुंचाता है, जो टेबल के ड्रॉवर के अंदर जो पड़ा था, जिसको लगा कि उसके अंदर कुछ है, तो वहां तक वो अपना हाथ जो है, ठीक है, वो पहुंचाता है. और उसके अंदर एक स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स था, यानी छोटा सा टीन का बॉक्स था. Cellophane tag to the top of it was a piece of lined knot paper. यानी कि इसके अंदर एक लाइन वाला जो knot paper होता है, ठीक है, वो टुकड़ों में था और जिसके ऊपर cellophane लगी हुई थी. cellophane मतलब इस प्रकार की टेप होती है जो पारदर्शी होती है, यानी कि उसके हम क्या एक साइड से दूसरी साइड हम देख सकते हैं. Written on it in a shaky handwriting, यानी कि उसके अंदर एक लड़खड़ाती हुई handwriting में कुछ लिखा था. Shaky का मतलब होता है लड़खड़ाना. Jim's last letter received on January 25, 1915. यानी कि जो लेटर जो था, ठीक है, वो जिम का, जिम एक व्यक्ति का नाम है, उसका ये अंतिम लेटर था जो January 25, 1915 को रिसीव हुआ था, यानी प्राप्त हुआ था. यानी 25 जनवरी 1915 को ये लेटर, जिम का आखिरी लेटर जो है प्राप्त हुआ. To be a budget with me when the times come, यानी कि समय जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि उस लेटर में ये लिखा to be a budget with me, यानी कि मेरे साथ इसको क्या दफना देना. budget का मतलब होता है दफनाना. when the time come, when the time come का मतलब होगा ये कि जब उसका अंतिम समय आए, यानी कि जब वो मर जाए, ठीक है, तो मरने के समय ये जो उसका अंतिम लेटर है, जो कि 25 जनवरी 1915 को लिखा गया था, ये जो लेटर है उनके अंतिम समय में उसके साथ दफना दिया जाए. As I did it, that it was wrong of me to open the box. अब ये जो box खोलने वाला जो व्यक्ति जो था, ठीक है, जो drawer अपने घर पे लेके आया था, वो ये कहना चाहता है कि I knew, मतलब कि मैं जानता हूँ, as I did it, that it was wrong of me to open the box. यानी कि इस box को खोलना ही गलत है, ये मैं जानता हूँ, but लेकिन curiosity
got the better of my scruples. यानी कि जो जिज्ञासा जो है ठीक है वो मेरे ऊपर क्या हावी हो रही थी. It usually does. यानी कि ऐसा कभी कभार होता है. Inside the box, there was an envelope. यानी कि उस box के अंदर एक क्या था? Envelope था. Envelope होता है लिफाफा. The address reads. उसके ऊपर address था. अब address उसने पढ़ा. Mrs. Jim, Macpherson. यानी Macpherson उसका जो Jim जो था ठीक है उसकी जो wife है ठीक है उसका नाम था. Well, over which is a report. और इसके ऊपर यानी कि टॉप में जैसे कि हम नॉर्मली जैसे हम लोग होमवर्क के क्लास को करते हैं तो डेट मेंशन करते हैं ऊपर की साइड में तो उस लेटर के ऊपर में लिखा हुआ था डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914 यानी कि 26 दिसंबर 1914. तो स्टूडेंट्स इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे.